फर्स्ट मेथड जो हमारा नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए, अब उसके दो नाम है, पहला नाम वैल्यू एडेड मेथड और इसका दूसरा नाम होता है बेटा प्रोडक्ट मेथड। पहले तो आप मेथड का मतलब समझेंगे कि हम इसको इस मेथड के नेम से जानते क्यों हैं। देखो एक बात बताओ, क्लास 11th में आपने प्रोडक्शन एक चैप्टर पढ़ा जिसका मतलब होता था कि कन्वर्शन ऑफ इनपुट टू द आउटपुट, याद आया कुछ? इनपुट टू द आउटपुट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप अपने इनपुट को, दैट मींस रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो तो क्या उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हो? ये बात सब लोग समझे कि आप अगर अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो तो इसमें आप क्या करते हो, कुछ वैल्यू ऐड करते हो। सारे बच्चे क्लियर है? ओके, सो दैट्स हाउ इसका नाम होता है बेटा वैल्यू एडेड मेथड, और वी कैन से दैट प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, पहला स्टेप। अब देखो मैंने आप लोग से ये बोला कि हमें सिर्फ इसमें ना ये दो स्टेप समझने हैं बस, बाकी बाकी स्टेप्स हमें समझना ही नहीं, क्योंकि बाकी स्टेप्स कन्वर्जन का प्रोसेस है जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो पहले दो स्टेप्स देखते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका मतलब है ये बेटा कि जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू कितनी है। तो बेटा आप ध्यान से देखो उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और बेटा जी ध्यान रखें, चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ना गिवन हो तो? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी बच्चों से एक गड़बड़ी हो जाती है कि वो फॉर्मूला क्या यूज कर लेते हैं, ओपनिंग माइनस स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है, यानी फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मैं आप लोग को ब्रीफ करता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब यह है बेटा कि मेरे पास टोटल कितने रुपए का आउटपुट है। ध्यान से सुनना जरा, सपोज करो, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, सपोज करो मेरे पास किसी प्रोडक्ट के 100 पैकेट्स थे जो मैंने खरीदे थे बेचने के लिए, ठीक है? तो क्या मैं इस 100 पैकेट्स को ओपनिंग स्टॉक बोल सकता हूं बेटा? बोलो बेटा, ऐसा बोल सकता हूं? ठीक है, अब सपोज करो इसमें से मैंने कुछ 80 यूनिट्स बेच दिए, इसमें से मैंने कुछ 80 यूनिट्स बेच दिए, तो क्या मैं इस 80 यूनिट्स को सेल बोल सकता हूं? ओके, तो बेटा मेरे पास अगर आप देखो तो 20 यूनिट्स बचा है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे टोटल कितने यूनिट्स बिके? 80 यूनिट्स बिके। अब ये 80 यूनिट्स मुझे पता कैसे चला? जब मुझे ये पता चला कि मेरे स्टॉक में चेंज कितने का आया, मतलब मेरे पास 100 पैकेट्स थे, 20 पैकेट बचे, दैट मींस मैंने 80 पैकेट्स बेचे, तो इसका मतलब बेटा मेरे पास टोटल वैल्यू कितने प्रोडक्ट्स की होगी, जो 80 पैकेट्स बेच दिए प्लस जो 20 पैकेट्स मेरे पास बचे हैं। बात समझ में आई? मतलब मेरे टोटल आउटपुट की वैल्यू कितनी थी, एक तो जो बेच दिया वहां से मुझे आउटपुट की वैल्यू मिली होगी, प्लस जो मेरे पास स्टॉक बचा है बेटा वो भी तो मुझे बाद में सेल करूंगा तो पैसे देगा ही देगा। बात समझ में आई सब बच्चों के? तो इसीलिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आपके आउटपुट की वैल्यू कितनी है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सारे बच्चे क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, ये नहीं बोलो। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि हम इसके वैल्यू को कंसीडर करेंगे, मतलब हाँ नेगेटिव तो आएगा, वो पॉइंट तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन इसका ना मतलब समझना, हम एक्चुअल में ये चेंज इन स्टॉक इसलिए निकालते हैं सो दैट हमें ये पता चल सके कि हमने एग्जैक्टली कितने रुपए का सामान बेचा है, यानी कितने यूनिट्स बेचे हैं। सपोज करो तुम्हारा ना वेयर हाउसिंग का बिजनेस है जिसमें तुम क्या करती हो, इन्वेंट्रीज को अपने वेयर हाउस में रखती हो। अब सपोज करो तुमने 100 पैकेट्स रखे थे अपने वेयर हाउस में, अभी 20 बचे हैं, तो इसका मतलब क्या बेटा, कितने बेचे होंगे तुमने? यानी कितने बेचे, 80 यूनिट्स बेचे होंगे। सो उस चेंज इन स्टॉक की हेल्प से आपको ये पता चला
कि आपने अब तक 80 यूनिट्स का सामान सेल किया है, बात समझे? और जो बचा हुआ सामान है जो 20 यूनिट है वो आपको और बताएगा कि इतने का तो सामान आपने बेच दिया, यानी इतनी वैल्यू तो आपको सेल्स की मिली है, प्लस आपके पास अभी 20 यूनिट बचा हुआ है, दैट मींस उसकी भी वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, तो दैट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ योर आउटपुट। क्लियर हो गया? ओके दिशांत क्लियर है? दीक्षा क्लियर है? नमन? ओके नमन क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है जीडीपी एट एमपी। बस यहां पर एक छोटा सा रहेगा, आप लोग को दिमाग में रखना होगा कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम और क्या बोलते हैं, जीवीए। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसका जरा फॉर्मूला पहले देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जो आपने फर्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया है उसमें से क्या माइनस करना है बेटा हमको, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इसके दो और नाम है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम इंटरमीडिएट परचेज भी बोल सकते हैं बेटा, और इसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूं ये आया कैसे। एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना जरा। सबसे पहले बिल्कुल लोकल एग्जांपल लेता हूं। एक बात बताओ, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और सपोज करो आपका प्रोडक्ट बाय ट्रक यानी रोडवेज की हेल्प से बाय ट्रक दो दिन में वेंडर के पास पहुंचेगा। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं पार्थ का, पार्थ रहता है पंजाब में, ठीक है, और उसको सप्लाई करनी है लेट सपोज लखनऊ में, ठीक है, तो उसका जो ट्रक है बेटा वो पंजाब से लेकर के लखनऊ तक आने में दो दिन लगेगा। अब मेरा सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनना, क्या ट्रक का ड्राइवर बीच में दो दिन अपना खाने पीने का, पेट्रोल का, इसके अलावा ये सब चीजें यूज करेगा कि नहीं करेगा, कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? ओके बेटा, ये कॉस्ट पार्थ का होगा या ट्रक ड्राइवर का सेल्फ कॉस्ट होगा? मालिक, दैट मींस पार्थ का होगा। पॉइंट समझे सब लोग? ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्या बेटा, इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी इन ट्रांजिट कंजप्शन। जो ट्रांजेक्शन का टाइम लिमिट है दो दिन का जो टाइम जा रहा है उसके बीच में जो भी कंजप्शन हुई वो किसकी है, वो इसके मालिक की यानी ओनर की खुद की है। तो इसीलिए बेटा हम उसको पार्थ उसको अपने लिए एज एन एक्सपेंस कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसीलिए बेटा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस हो जाता है। ये एग्जांपल सबको समझ में आया? इसके टोटल तीन एग्जांपल बताऊंगा, ये एग्जांपल सबको समझ में आया? ओके दूसरा एग्जांपल, सॉरी एक तो करा बैठा हुआ है, दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं बेटा। आप जरा सपोज करो पार्थ का डेयरी फार्म्स का बिजनेस है। आप लोग ने नोटिस किया बेटा जो मदर डेयरी वगैरह की, जैसे आप लोग मिल्क खरीदने जाते हो एक तो पैकेट में दूध मिलता है आपको, कभी नोटिस किया है कि मदर डेयरी की या फिर जो डेयरी फार्म्स की अपनी एक मिनी ट्रक होती है जिसके अंदर मिल्क होता है और वो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके शॉप में डालते हैं जिसमें से आप जो है लूज में मिल्क ले सकते हो, कभी नोटिस किया किसी ने टोकन डाल के? हाँ राइट। अब मैं आप लोग को बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। मिल्क ना आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है, पेरिशेबल मतलब अगर आपने उसको एक अच्छे टेम्परेचर पे नहीं रखा तो वो खराब हो सकता है, इस बात से एग्री करते हो? ओके तो बेटा एक बात बताओ, अब ये सपोज करो, बस खाली सपोज कर लेना ठीक है, कि ये है ट्रक, ये हालांकि कुछ भी लग सकता है तुम लोग को बट मान लेना ये मदर डेयरी की ट्रक है बेटा, है ना? ठीक है, अब इसके अंदर ये जो मिल्क है क्या इसको मतलब प्योर रखने के लिए, इसको इसकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए क्या इसमें कुछ कोल्ड स्टोरेज वगैरह की या कोल्ड के टेम्परेचर रखने के लिए जरूरत पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? हाँ करेक्ट, वो कोल्ड रूम बनता है एक्चुअल में। ठीक है, अब एक बात बताओ ये जो एक्सपेंस है ये कौन मीट करेगा? ओनर। तो क्या बिल्कुल सही बात है, सपोज करो इस पूरे कोल्ड रूम को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 100 रुपीज की कॉस्ट आ रही है और इसमें जो टोटल सामान है बेटा लेट सपोज वो 10,000 रुपीज का है,
ठीक है, मतलब जो टोटल मिल का वो 10,000 रुपीज का है। तो बेटा एक बात बताओ, ओनर को एक्चुअल में कितना पैसा मिलेगा? बेटा ओनर को एक्चुअल में कितना पैसा मिलेगा? नहीं बेटा, 10,000 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी जो आउटपुट इसके ट्रक में है दैट इज द 10,000 रुपीज का वैल्यू, ठीक है। लेकिन सामान मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाने में इसको 1,000 रुपीज का इंटरमीडिएट कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में बेटा इसके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितने रुपए का हुआ? 9,000 रुपीज का। कैसे पता चला? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दी। सबको समझ में आया? दीक्षा क्लियर है? ये नहीं, दिशांत क्लियर है? ओके, नमन क्लियर है? अब एक लास्ट एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल और। कितने ऐसे बच्चे हैं बेटा जो नॉन वेजिटेरियन है या फिर उनको फिश बहुत पसंद है खाने में? और कौन है? नहीं, सिर्फ पार्थ है, दिशांत ये नहीं, नॉन वेज नहीं खाते तुम लोग, फिश नहीं खाते? और तू वेजिटेरियन है, मेरी तरह बन गया? ओह ओके, चलो। हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ बट एग्जाम्पल तो लूंगा ही लूंगा बेटा। अब एक बात बताना, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है बेटा। आप लोग ने देखा है कि फिश भी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। कभी नोटिस किया आपने ये चीज? ओके, एक लास्ट चीज, कभी ये चीज नोटिस किया बेटा कि फिश को अच्छे खासे आइस, जो आइस प्लेट्स होती हैं मतलब जो बर्फ की सिल्लियां होती हैं उसमें रखा जाता है, कभी नोटिस किया है? अब बेटा ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मेल्ट होता रहता है ना, तो इसीलिए जो मतलब जो जिस ट्रक में या जिस ट्रांसपोर्ट में ये चीज ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, सप्लाई हो रही होती है, तो बेटा वहां पर ना आपको विद इन द ट्रांजिट, ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम आपको 2 से 3 बार ये आइस प्लेट को खरीदना पड़ता है। क्या मैं इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट परचेज बोल सकता हूं? तो बेटा ध्यान रखें, जब भी आपको जीडीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप अपने आउटपुट की वैल्यू में से जो भी इंटरमीडिएट एक्सपेंस हुआ होगा उसको माइनस करोगे, तब जाके आपको क्या पता चलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और वी कैन सी दैट जीवीए एट एमपी। सारे बच्चे क्लियर हैं? सारे? अब बेटा जो चीज मैं पूछने जा रहा हूं वो मैं तो नहीं बताने वाला, वो बताओगे तो आप ही लोग, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास जीडीपी एट एमपी आ चुका है, लेट से 10,000 रुपीज या लेट से 9,000 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन गिवन है लेट से 500 रुपीज, लेट से क्वेश्चन में एनआईटी गिवन है 200 रुपीज, एंड लेट से क्वेश्चन में एनएफआईए गिवन है 300 रुपीज, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास जीडीपी एट एमपी आ चुका है, मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एमपी। तो अगर आप लोग नोटिस करो तो एमपी सेम है, डी सेम है, पी सेम है, मुझे क्या कन्वर्ट करना है? तमाचे मारूंगा। जीडीपी एट एमपी तो यहां दिख ही रहा है, यहां पे भी तो एनडीपी एट एमपी है। हाँ, सारे बच्चों को ये चीज समझ में आई बेटा कि हमारे पास जीडीपी एट एमपी गिवन है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट एनडीपी एट एमपी। तो अगर आप नोटिस करो तो एमपी सेम है, पी सेम है, डी सेम है, मुझे सिर्फ किसको कन्वर्ट करना है? ग्रॉस को नेट में। ओके, दिशांत से पूछूंगा, दिशांत ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं बेटा? शाबाश। और बेटा किसमें से माइनस करेंगे, बस वो बोल दो। शाबाश। तो बेटा ध्यान रखें अब जरा आप लोग, हमारे पास जीडीपी एट एमपी था, अगर मैं इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस कर दूं सो दैट मींस मेरे पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। सारे बच्चे क्लियर हैं? ओके, सो लेट्स से 9,000 था, उसमें से मैंने 500 माइनस कर दिया तो मेरे पास एनडीपी एट एमपी आ गया 8,500। सारे बच्चे क्लियर होंगे? ओके, नाउ अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपको जीडीपी एट एमपी आ चुका है बट अब आपसे बोल रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? एन डी पी एट एफ सी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एन डी पी
पी एट एफ सी। तो नोटिस करो आपके पास जीडीपी एट एमपी आ चुका है, बट आपको चाहिए क्या एन डी पी एट एफ सी। तो बेटा क्या क्या कन्वर्ट करना है बेटा, किसको किसको कन्वर्ट करना है, और कुछ कन्वर्ट करना है क्या? ग्रॉस को नेट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब बताएगा कौन, अब बताएगा राजा, बताएगा राजा एन डी पी एट एफ सी कैलकुलेट करना है, क्या क्या करेंगे जल्दी बोलो। फाइव हंड्रेड ही नाम बोलो, और बस क्यों, ये तो जी से एन में कन्वर्ट हो ना, मार्केट प्राइस को भी तो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो पाई की डेफिनेशन होती है, क्या करेंगे एमपी से एफसी में जाने के लिए, नहीं पढ़ा है ना, नहीं दिश, ये नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हाँ बोलो बोलो, माइनस एन आई टी। राजा साहब कुछ घर पे जाकर के अभी आज रिवाइज करना, नहीं तो अगली बार कॉल चला जाएगा। तो बेटा जीडीपी एट एमपी वाज गिवन एज 9000 रुपीस, उसमें से डेप्रिसिएशन 500 माइनस करेंगे एंड एन आई टी माइनस कर देंगे 200, वेरी गुड। एंड सपोज करो आपके पास जीडीपी एट एमपी आ चुका है, आपको कन्वर्ट करना है बेटा एन एन पी एट एफ सी। दीक्षा क्या करेंगे बेटा, पूरा बोलो, जीडीपी एट एमपी को एन एन पी एट एफ सी में कन्वर्ट करना है। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चे क्लियर हैं? क्या समझ में नहीं आया बस ये बताओ। देखो जी तुम्हारे पास जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में आ चुका है और तुमको इसको कन्वर्ट करना है एन एन पी एट एफ सी में। जी से एन में जाते हैं क्या करते हैं, जी से एन में जाते हैं क्या करते हैं, एक काम कर तेरे घर पे आज फोन मारता हूं तभी जाके तू सही होगा। लास्ट टू लास्ट क्लास में बोला था कि किसी भी हालत में कन्वर्जन याद करके आना, सामने क्लास में रटवाया था, अभी तक नहीं याद हुआ, तो जब हो जाएगा तब पूछना फिर डाउट, बड़ा होता ना तो फिर इतनी डाउट आते ही नहीं, क्योंकि क्लास में ही रिवाइज कराया था मैंने पूरी चीजें। अब बेटा सारे बच्चे एक बार इधर देख ले जरा, सो वैल्यू एडेड मेथड जिसका दूसरा नाम आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, समझ चुके हैं आप लोग। देन जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होता है बेटा कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब बेटा उसके बाद हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, इधर प्लस या माइनस एनएफआईए करना होता है और माइनस एनआईटी करना होता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनएनपी एट एफसी। एंड चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मेथड नंबर वन। सारे बच्चे क्लियर हैं, सारे बाकी सब लोग, हाँ पहले डायरेक्ट डायरेक्ट समझ लो फिर बीच वाले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं बेटा जरा एक्सपेंडिचर मेथड पे, ध्यान रखना एक्सपेंडिचर मेथड वैसे तो बड़ा सिंपल है, बस इसमें ये जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ इसमें हमें काफी ज्यादा दिमाग लगाना होगा। तो पहले तो मैं आप लोग को नोट करा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करेंगे। हेडिंग डालना बेटा मेथड नंबर टू, मुझे पता है आप लोग ने नोट कर रखा है बट फिर भी नोट करेंगे जरूर। तो चार एक्सपेंडिचर है बेटा, ठीक है, टोटल चार एक्सपेंडिचर, एक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा बेटा, अब तीसरे वाले में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए ध्यान से देखना जरा जो मैं लिख रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमें चाहिए क्या होता है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट कभी कभी इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें चाहिए क्या बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट अगर बाय चांस क्वेश्चन में क्या गिवन हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बेटा, तो हम क्या करेंगे उस केस में, ध्यान से सुनना जरा, इस फिक्स्ड को एलिमिनेट करना होता है, और फिक्स्ड को एलिमिनेट करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। कोई भी एक बच्चा मुझे जरा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बताएगा? वेरी गुड। एंड देन लास्ट पॉइंट, यानी लास्ट एक्सपेंडिचर इज, एक सेकेंड, फोर्थ एक्सपेंडिचर इज नेट एक्सपोर्ट। हालांकि नेट एक्सपोर्ट को भी निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में एक्स माइनस एम लिखा होता, मतलब दोनों एक्सपोर्ट का सेकेंड लेटर और इंपोर्ट का सेकेंड लेटर, ठीक है। और ये चारों एक्सपेंडिचर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी जी डी पी एट एम पी। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे बेटा जी, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, या फिर मार्केट इकोनॉमी है? अच्छा मिक्स इकोनॉमी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मिक्स इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों लोग हैं? ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हर एक सेक्टर को अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो क्या उससे पहले उसको कुछ एक्सपेंडिचर करना जरूरी है? देखो अगर कोई भी सेक्टर प्रोडक्शन करेगा तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर सपोज करो मेरे को मोमोज की दुकान ही खोलनी है ना, तो बेटा दुकान खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट यानी पैसा चाहिए, मोमोज बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे, उसके लिए भी एक्सपेंडिचर करना होगा। तो सेम एज आपके कंट्री में दो सेक्टर होते हैं बेटा, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोनों सेक्टर का एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PFCE बोलते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GFCE। सारे बच्चों को ये दो पॉइंट क्लियर हुआ सबको? दशांत यानी क्लियर है, दीक्षा, नमन और राजा क्लियर है, ठीक है, ओके। अब जो थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना बेटा हमें हमेशा क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो आप इसका मतलब समझ लो बेटा, आपको पता है कि कुछ कुछ लोगों का बिजनेस कुछ इस तरीके से होता है कि वो उनका बिजनेस ये होता है, यानी उनका पैसे कमाने का तरीका ये होता है कि वो दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड इन रिटर्न या तो प्रॉफिट लेते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ऐसे नहीं बोल, काइंड ऑफ यही बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस के इस टाइप का होता है बेटा, सब करेक्ट है ना, फाइनेंसर होते हैं, मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको फंड चाहिए, ठीक है, आप मुझसे ले लो। तो अगर आप देखो तो मेरा बिजनेस है क्या बेटा, कि मैं आप लोग के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूंगा एंड इन रिटर्न या तो मैं प्रॉफिट लूंगा, प्रॉफिट में शेयर लूंगा, या फिर इंटरेस्ट लूंगा। बात समझ में आई सब बच्चों के? क्या क्या नाम बोलना, क्या बोला था, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलना। हाँ 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 सेम है, सेम है, वो भी सेम ही है, बट पॉइंट ये होता है ना कि अगर नोटिस करो तो हमें बात करनी है डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक लेवल के इन्वेस्टर है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, ओके। सो अब मेरा एक क्वेश्चन है, जवाब देना जरा, अगर वो जवाब दे दिया तो बेटा ये जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो अपने आप ही समझ में आएगा। लेट सपोज इफ आई एम अ इन्वेस्टर और आप सबके पास बिजनेस आइडिया है, तो
क्या मैं आपसे फिक्स्ड रेट का इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट मांगूंगा या फिक्स्ड रेट का प्रॉफिट मांगूंगा या जितना प्रॉफिट होगा उस पे शेयर मांगूंगा? करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट कि मुझे ना कभी भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं चाहिए, मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप ग्रो करोगे उसमें उतना शेयर मुझे मिले, ठीक है? तो इसीलिए मुझे फिक्स्ड को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। और फिक्स्ड को एलिमिनेट करने के लिए मुझे उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। क्लियर हो गए सारे बच्चे? फिर से बताता हूं। चल वैभव तेरे एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज वैभव तुम्हारा एक बिजनेस है, लेट्स सपोज यू आर अ प्रोड्यूसर, तुम मूवी में एज अ प्रोड्यूसर पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तुम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे तुमने एक बिजनेस में पैसा लगाया और उनके पैसों से अपना पैसा बनाया, ऐसा बोल सकता हूँ? अच्छा, अब एक बात बताओ, एज एन इन्वेस्टर यानी एज एन प्रोड्यूसर, क्या तुम एक फिक्स्ड अमाउंट अर्न करोगे या प्रॉफिट जितना कमाएगी वो मूवी उतना पैसा उसमें उस शेयर मांगोगे? प्रॉफिट मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, है ना? तो तुम मतलब कभी भी ये नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी फिक्स्ड इनकम रहे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमें उस फिक्स्ड को एलिमिनेट करना होता है, और उस फिक्स्ड को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? क्लियर हो गया दिशांत? ये नहीं, दीक्षा क्लियर है? नमन, राजा? ओके, ठीक है। एंड लास्ट बेटा, लास्ट एक्सपेंस क्या होता है, जिन लोग का काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है बेटा, उन्हें भी एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, डॉग ड्यूटी, इंश्योरेंस से लेकर के इसके अलावा ऑफिस, वेयर हाउस, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो वो नेट एक्सपोर्ट भी हमारा क्या होता है, फोर्थ एक्सपेंडिचर होता है। बाई चांस अगर नेट एक्सपोर्ट आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करोगे, ठीक है? इन चारों एक्सपेंडिचर को ऐड किया तो बेटा मेरे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? एनीबडी? जीडीपी एट मार्केट, दैट मींस जीडीपी एट एमपी। सारे बच्चे यहां तक क्लियर है? ओके। एंड बेटा अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ चुका है एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, दैट मींस नेशनल इनकम, तो बेटा हम क्या करेंगे, कोई बता दे, कोई तो बता दो। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। ओके, एक और चीज बोलता हूं, यानी एनएफआईए। तो या तो हम प्लस करेंगे एनएफआईए या माइनस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। क्या सारे बच्चों को सेकंड मेथड भी क्लियर हो गया है सबको? ओके, अब इसी चीज को एक बार हम वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। सो चार एक्सपेंडिचर है बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, बट इन केस अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा। एंड द लास्ट एक्सपेंडिचर इज नेट एक्सपोर्ट। चारों एक्सपेंडिचर को ऐड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा जीडीपी एट एमपी, एंड टू कन्वर्ट जीडीपी एट एमपी इनटू एनएनपी एट एफसी वी हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, डिडक्ट एनआईटी, एंड या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे एनएफआईए, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सारे बच्चे दोनों मेथड से क्लियर है? आता है आपका लास्ट मेथड यानी इनकम मेथड। सिंपल सी चीज है, इनकम मेथड यूज क्यों हुआ पहले वो समझ लो, मतलब बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको समझने का। सिंपल सी चीज ये बेटा, हमें प्रोडक्शन करना था तो हमने ये चेक किया कि प्रोडक्शन करने से कितनी इनकम आई, ठीक है बेटा? हमें ये क्या नाम है, हमें उस प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर करना था तो हमने ये कैलकुलेट किया कि उस एक्सपेंडिचर से कितनी नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई। अब सिंपल सा पॉइंट ये, अगर आपने एक्सपेंडिचर करके प्रोडक्ट बनाया है तो बेटा उसे मार्केट में क्या करोगे आप, सप्लाई या फिर सेल करोगे, क्या उससे इनकम आएगी? ओके, तो बेटा अब हमें समझना है इनकम मेथड, ठीक है?
इनकम मेथड में कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी नोट करने हैं, इसलिए ध्यान से नोट करेंगे। तो हेडिंग डालना सारा इनकम मेथड, एंड वापस से सारे बच्चों को बोल रहा हूं प्लीज नोट कर लेना। पहला पॉइंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्लस दूसरा पॉइंट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट, मिक्स्ड इनकम। हम इन तीनों इनकम को कैलकुलेट करेंगे बेटा, हमारे पास वैल्यू आती है एन डी पी एट एफ सी, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा वो आप लोग को समझते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सरप्लस में, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होता बेटा, तो हम उसे निकाल सकते हैं कैसे, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करके। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट निकालने के भी तरीके हैं बेटा, कैसे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। और बेटा जी ध्यान रखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, पहले एक बार ये नोट कर लो बेटा सारे बच्चे जरा। अभी इसमें कुछ और भी लिखवाना है, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, नोट कर ले बेटा सारे बच्चे जरा, इसमें भी एक पॉइंट और लिखवाना है। बच्चों नोट कर लो, नोटेड एवरीबडी, एफ सी फैक्टर कॉस्ट। ओके, दशांत यानी दीक्षा, एग्नेस, राजा। ओके, दीक्षा हो गया। ओके ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ था बेटा, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया नहीं। अब इसमें कुछ और चीजें जरा वो जरूर नोट करना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर स्पेशली। क्या क्या आएगा इसके अंदर, सैलरी, ठीक है, वेजेस। अब ये जो लिख रहा हूं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर्स, इसको ना डबल अंडरलाइन कर लेना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब इसी से रिलेटेड एक और स्टार पॉइंट बेटा, इफ इन क्वेश्चन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज गिवन, देन इट विल बी इग्नोर्ड। ये नोट कर लो फिर समझाता हूं। डन सारे बच्चों,
मैं बता रहा हूं बता रहा हूं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दो अलग अलग चीजें हैं। एम्प्लॉयर मतलब बॉस, एम्प्लॉइज मतलब जो सैलरी पे काम करते हैं, सैलरी या वेजेस पे। बेटा जी सबने नोट कर लिया, सबने ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं बेटा जिनको ये बात पता है कि ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नाम की कोई चीज होती है? पता है? ओके, मैं बताता हूं जरा, ध्यान से सुनना जरा। तो सपोज करो ये मैं हूं यानी बॉस, ठीक है, यानी मैं क्या हो गया आपका एम्प्लॉयर, और ये हो गया आप लोग एम्प्लॉइज, ठीक है, ये हो गया आप लोग। नहीं नहीं प्राइवेट में भी होते हैं, गवर्नमेंट में भी होते हैं, दोनों जॉब्स में होती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गए एम्प्लॉइज। दो तरीके से समझाऊंगा, दोनों तरीके में से जिससे भी समझ में आ जाए आपको। होता क्या बेटा, सपोज करो सबकी सैलरी लेट से 50,000 रुपीज है, खुश हो जाओ, है ना, कि इतने पैसे कमा रहे हो तुम लोग। हमारे जैसे गरीब लोग ने कभी ये चार जीरो देखे ही नहीं, बट सपोज करो आप सबकी सैलरी बेटा 50,000 रुपीज है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको ना 50 नहीं दे रहा, आप सबको ना 45,000 रुपीज दे रहा हूं, और ये जो 5,000 रुपए हैं बेटा, ठीक है, ये जो आपके जो 5,000 रुपए हैं, इसको अलग से सेव करके रख रहा हूं आप ही के लिए, कि जब भी आपको कोई जरूरत पड़े, कोई अनसर्टेनिटी हो, या जब आप जॉब से रिटायर हो, या कोई भी सिचुएशन हो, तो ये जो 5,000 रुपए मैंने आपके सेव करके रखे हैं विद इंटरेस्ट आपको फिर वापस कर दूंगा। तो एक बात बताओ, ये जो 5,000 रुपए मैंने आपके सेव करके रखे, ये मेरी इनकम है या आपकी इनकम है? हमारी, मतलब एम्प्लॉइज की इनकम है। तो क्या बेटा उस इनकम को मैं एम्प्लॉइज के कॉम्पनसेशन में ऐड करूंगा? ठीक है, तो इसलिए नोटिस करो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर मैंने लिखा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी एम्प्लॉयर मतलब अगर बॉस ने आप आपके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ठीक है, आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि इन केस अगर आपको कभी भी अनसर्टेनिटी में जरूरत पड़ जाए, कभी बीमार पड़ जाओ, कभी मतलब हॉस्पिटल के लिए, कभी किसी भी काम के लिए, कभी सपोज करो अपनी शादी के लिए, कभी दूसरों की शादी के लिए, कभी मुझे पार्टी देने के लिए, किसी भी पर्पज में अगर यूज करना हो, तो वो पैसा आपका है। बट सपोज करो कभी आप लोग ने वो सुना है, अरे आजकल बड़ा चलता है यार, क्या कहते हैं उसे, महीने का वो जो हर लोग अपनी अपनी तरफ से पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कमेटी, राइट, करेक्ट। अब सपोज करो बेटा ये सारे एम्प्लॉइज हो आप लोग, ठीक है, 45,000 रुपए में से आप क्या कर रहे हो, सब लोग 5,000 रुपए की कमेटी डालते हो ना। व्हाट इज कमेटी? कमेटी इज लाइक कि सारे लोगों ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और टर्न फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है, इसमें जरूरी नहीं होता कि इंटरेस्ट मिले, ठीक है, या विदाउट इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट क्यों हुआ है? तो अपनी तरफ से टर्मिनोलॉजी बना रहे हैं। अच्छा सुनो, सो पॉइंट इज बेटा कि हर एक एम्प्लॉय क्या कर रहा, अपने ही पैसों में से कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेटा यहां पे एम्प्लॉयज के लिए इनकम है क्या कुछ? अबे इनकम कैसे हुई है, तो नॉर्मल अपना ही पैसा तो है, इसमें इनकम क्या हुई? ठीक है, तो पॉइंट इज बेटा कि अगर इंप्लॉयज खुद कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो उनकी इनकम का पार्ट नहीं होता, वो उनकी सेविंग का पार्ट होता है, ठीक है। एंड सेविंग इज नॉट योर नेशनल इनकम, मतलब सेविंग को हम कभी भी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो इन केस अगर आपको इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन दिख गया तो बेटा आप उसे कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, बट अगर इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिख गया तो वो आपकी इनकम का पार्ट होगा। सारे बच्चे क्लियर हो गए यहाँ पे? ओके, एक लास्ट एग्जांपल है, हालांकि अगर ये चीज समझ में आ गया तो उसका मतलब नहीं बनता, बट फिर भी सुन लो। सपोज करो अगर मान लो एज एन एम्प्लॉयर, मतलब मैं आपका बॉस, मैंने आप लोग के लिए क्या किया, दिवाली आ रही है, सबको कुछ कुछ रुपए बोनस पकड़ा दिए, तो क्या बेटा ये आपके लिए इनकम हुई? और बेटा ये बोनस दिया किसने, बॉस ने यानी एम्प्लॉयर्स ने दिया, तो बेटा एम्प्लॉयर्स ने अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया तो वो आपकी इनकम का पार्ट हो गया। क्लियर है सारे बच्चे? बट सपोज करो आप लोग ने क्या किया, खुद ही से 1,000-1,000 रुपए डाल करके अपने में आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देके खुश हो गए,
आपकी इनकम हुई वो? हाँ, तो वो बेटा आपकी इनकम का पार्ट नहीं होता। तो ये सारे बच्चे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पॉइंट से क्लियर है? सारे दिशांत, ये नहीं दीक्षा, ओके। बस अभी छोटी सी चीज ध्यान रखना बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस, अभी टाइम मत देखना कोई भी, ये समझा के तभी छोड़ूंगा। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है बेटा ऑपरेशनल सरप्लस, ऑपरेशनल सरप्लस, सरप्लस ऑपरेशनल सरप्लस मतलब बेटा जो आप बिजनेस करते हो। तो अगर ध्यान से देखो, बिजनेस मतलब ये हो गया एक टाइप का इनकम, कॉम्पनसेशन मतलब जो जो लोग नौकरियां करते हैं, और मिक्स इनकम मतलब बेटा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो ऑपरेटिंग बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है बेटा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके आने के चार तरीके होते हैं, हालांकि इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, बट ध्यान से सुन लो पहले। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना जरा, रेंट का मतलब भाई आपका बिजनेस है, आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, बिल्डिंग बना रखी है, आप हर महीने रेंट लेते हो, आपका बिजनेस हो गया। रॉयल्टी क्या होती है, चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। कई लोग का बिजनेस होता है बेटा जो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, और कई सारे लोग होते हैं बेटा जो प्रॉफिट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन हो बेटा क्वेश्चन में, तो आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इनमें से जो भी आइटम्स होता है उनको प्लस करके कैलकुलेट कर लेते हो। फर्दर अगर सपोज करो आपको प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो आप क्या करते हो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों को कैलकुलेट करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हो। और तीसरी इनकम होती है मिक्स इनकम, जिसको आप टोटल करते हो। हालांकि इसमें छोटा सा एक कन्फ्लिक्शन पॉइंट है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे, एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।